रॉक ऑन में जहां शानदार संगीत, ताजगी और युवाओं की मस्ती थी, वहीं रॉक ऑन 2 की कहानी में ठहराव है और इमोशन को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसकी वजह यह है कि रॉक ऑन के किरदार आदि, जो, कैडी अब मैच्योर हो गए हैं। उनकी दाढ़ी सफेद होने लगी है, जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बदल गया है। फिल्म की कहानी 8 वर्ष आगे बढ़ गई है। बैंड बिखर गया है। आदि मेघालय की वादियों में रहने लगा है, जो रियलिटी शो में जज बन गया है। केडी उन लोगों के लिए गीत बना रहा है जो संगीत की ABCD भी नहीं जानते हैं। पिछले 8 वर्षों में एक घटना ऐसी घटी है जिसका असर आदि की जिंदगी पर पड़ा है। वह आत्मग्लानि से पीड़ित है। संगीत छोड़कर वह अनजान लोगों को खुशियां देने का काम कर रहा है। कहानी में नया किरदार जिया का आता है, जिसके जरिए बिखरे दोस्त फिर एक होते हैं और आदि आत्मग्लानि से मुक्त होता है। रॉक ऑन 2 की कहानी रॉक ऑन का निर्देशन करने वाले अभिषेक कपूर ने पब्ली चौधरी के साथ मिलकर लिखी है। दोस्तों का मन मुटाव और फिर एक होना, पति पत्नी के रिश्तों में टकराहट, आदि का मानवता के लिए काम करना, भारतीय और पाश्चात्य संगीत के लिए संतान और पिता के मतभेद जैसी कई बातों को फिल्म में समेटा गया है। इन बातों से फिल्म में इमोशन तो खूब पैदा किया गया है, लेकिन ज्यादातर जगह यह बनावटी लगता है। कुछ दृश्यों में ही आप इन रिश्तों के उतार चढ़ाव तथा गर्माहट को महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स निराशाजनक है और यहाँ पर लेखक की कल्पनाशीलता का अभाव नजर आता है। रॉक ऑन में शंकर अहसान लॉय ने बेहतरीन संगीत दिया था, लेकिन सीक्वल में वे अपना जादू जगाने में असफल रहे हैं। एक भी गाना ऐसा नहीं है जो सीधे जुबा पर आ जाए। कहानी भी इस तरह की चुनी गई है जिसमें गीतों के लिए जगह नहीं बनती, इसलिए गीतों की जगह बनाने के लिए बार बार कहानी को पीछे ले जाया गया है। शुजात सौदाकर ने इस फिल्म के जरिए बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत की है। उन्होंने रॉक ऑन सीरीज का फ्लेवर बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिली। फिल्म में दिलचस्पी बनाए रखने में इसके कलाकारों का अहम योगदान है। फरहान अख्तर को आदि का कठिन किरदार निभाने को मिला है और उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है। अभिनय की दृष्टि से यह श्रद्धा कपूर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। पिता से टकराव और कुछ करने की छटपटाहट को उन्होंने खूब व्यक्त किया है। अर्जुन रामपाल उन भूमिकाओं में जमते हैं जिनमें उन्हें अभिनय कम और स्टाइलिश लुक ज्यादा देना होता है। पूरब कोहली, शशांक अरोरा और कुमुद मिश्रा भी प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर रॉक ऑन 2 में न तो पहले भाग जैसी ताजगी है और न ही वैसा संगीत। यह एक औसत फिल्म है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।